एकम्बर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। सागर जिले में परिवहन करने के लिए आज भी लोडिंग वाहनों का उपयोग किया जाता है और दुर्घटनाओं के होने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला जिले के सुरखी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पिकअप वाहन में 27 यात्री सवार थे और पिकअप का टायर फटने से वाहन पलट गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई है और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि यह पिकअप वाहन सैमा ढाणे से बरमान जा रहा था, तभी रास्ते में सुरखी थाना क्षेत्र के करैया गांव के पास पिकअप का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गया। कहाँ जा रहे थे? कितने लोग थे? शंकर जी के साथ जाने का था। 25 आठ थे। अच्छा, कैसे हो गया? टायर फूट गया। टायर एम्बुलेंस लगभग 10-15 पेशेंट आए थे घायल होकर, सेवा ढाणा गांव के थे, बरमान जा रहे थे। उसमें से 4 सीरियस थे, उनको जिला चिकित्सालय सागर रेफर किया गया। बाकी सभी का ट्रीटमेंट करने के बाद सबको भर्ती कर दिया। पुलिस इस घटना के बाद वाहन मालिक पर भी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लोडिंग वाहन में सवारी ले जा रहा था और उसमें भी क्षमता से अधिक सवारी बैठी हुई थी। एक पिकअप वाहन है, इसमें जयसी नगर थाना क्षेत्र से कुछ श्रद्धालु ये बरमान तक जा रहे थे और इसमें टर्निंग पे अचानक अनियंत्रित होके ये गाड़ी पलट गई, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ घायल हो। ये अभी इनका उपचार चल रहा है, तो अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कितने गंभीर हैं और कितने साधारण रूप से घायल हैं। ये अभी सूचना आएगी तो इसमें स्पष्ट बता पाएंगे। और इसमें केस दर्ज किया जा रहा है सुरखी थाने में और वाहन मालिक जो है उसे भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। ये लोडिंग वाहन था जिसमें यात्रियों को ले जाया जा रहा था। जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 27-28 लोग इसमें सवार थे। ब्रजेंद्र रकवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। एकम्बर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। पता: वोडाफोन स्टोर, पाटीदार भवन, कच्छ कड़वा के बाजू में, मेन रोड, भगवानगंज, सागर। फोन नंबर है 9993182565, 8821844243।